अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से आफ़ियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल की आज की वीडियो क्रेन चेकलिस्ट के बारे में, मैं पहले आपको एक स्टेप समझा चुका हूं जो है क्रेन इंजन ऑफ की। ठीक है, आप क्रेन की इंस्पेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे? जब सुबह आएंगे तो इसके वॉक अराउंड आपने चारों तरफ आपने चक्कर लगाना है। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप था, मैंने आपको बता दिया। आज हमारा दूसरा स्टेप है, तो चलिए आइए दूसरा स्टेप देखते हैं कि दूसरे स्टेप में मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। ये दूसरा स्टेप है इंजन स्टार्ट का, इंजन स्टार्ट का है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इंजन स्टार्ट का। ये क्रेन चेकलिस्ट का, क्रेन इंस्पेक्शन का ये इंजन स्टार्ट चेकलिस्ट। ठीक है, अभी जब इंजन स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट, ये देखिए इंजन स्टार्ट, उसके बाद आपने वोल्टमीटर और से उसके बाद एमामीटर और उसके बाद ये देखो टैकोमीटर और आरपीएम गेज, ये चेक करनी है। ठीक है, क्या चीज़ चेक करनी है? ये सारा आपने जो ये चीज़ें सारी आपने चेक करनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा है? टर्न सिग्नल, फोर वे फ्लैशर स्विच, बीकॉन लाइट। ठीक है, आपको थोड़ा सा शायद नज़र ना आए क्योंकि सूरज की रोशनी है। अभी क्लियर आएगा, ये देखिए ना, इसका अभी तीन नंबर है, दूसरे स्टेप का तीन नंबर। ठीक है, सिग्नल आपके, उसके बाद चारों, जब आप लेफ्ट राइट आप टर्न करेंगे तो आपके ये जो फ्लैशर हैं, इसके बल्ब हैं, वो ऑन होने चाहिए। यहाँ से कैसे पता चलेगा? ये देखो, इस बटन को आप जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये आपके बराबर काम करने चाहिए। ठीक है, जब ये बराबर काम करेंगे तो आपने बल्ब भी चेक करने हैं। अक्सर ये तो ऑन होते हैं और नीचे बल्ब जो फ्यूज़ होते हैं वो सिग्नल नहीं दे रहे होते आपको, तो आप तो ये समझेंगे कि मैंने लगा दिया है, लेकिन आगे आने वाली गाड़ी या पीछे आने वाली गाड़ी को मालूम नहीं पड़ेगा कि इसने सिग्नल लगाया हुई या नहीं। आपने इसकी इंस्पेक्शन लाजमी करनी है कि आप प्रॉपर हालत में वो काम कर रहे हैं या नहीं। इसको वैसे इंडिकेटर बोलते हैं, सही है ना? ये अभी ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। जब आप कहीं ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम भी आपने जो है ना ये लाजम लगाना चाहिए, जब आपने टेम्परेरी कहीं पे ब्रेक लगाई हुई है। ठीक है, रोड की साइड पे। ये आगे हॉर्न लाइट वाइपर, आपका हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न बराबर काम करना चाहिए और आपकी जो लाइट है ये भी बराबर हो, वाइपर ये भी बराबर हो, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तकरीबन इन चीज़ों का पता ही होगा। इंजन ऑयल प्रेशर गेज, इंजन ऑयल प्रेशर गेज कहाँ पे है? ये देखिए, ये इंजन ऑयल प्रेशर गेज, ये 10 से अप होना चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रेशर गेज है। ठीक हो गया, उसके बाद अगला स्टेप है ट्रांसमिशन कन्वर्टर टेम्परेचर गेज। ठीक है, ये ट्रांसमिशन का जो है ना गेज है, ये बड़ी, ये ट्रांसमिशन का जो गेज है, ये इसको जो है ना इधर ही होनी चाहिए। अगर येलो पे पहुंच गया, रेड पे पहुंच गया तो आप क्रेन को फौरन स्टॉप कर दें, स्टॉप नहीं करेंगे तो ये इंजन का नुकसान होगा। अगला स्टेप देखते हैं कि अगला स्टेप कौन सा है। अगला है इंजन कूलेंट टेम्परेचर गेज, इंजन कूलेंट टेम्परेचर गेज, ये कौन सी है? ये इंजन कूलेंट, ये इंजन को ठंडा रखने के लिए। ठीक है ना, इसको भी इसी पोजीशन में होना चाहिए जिस पोजीशन में इसका ये नीडल खड़ी है। ये भी अगर इस साइड पे, रेड वाली साइड पे अगर ये नीडल इसकी अप हो जाती है तो आप करेन को फौरन बंद कर दें। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। अगला है फ्यूल गेज, फ्यूल गेज लेवल, फ्यूल गेज कौन सा है? ये डीजल है, पेट्रोल है, जो भी गाड़ी है, ये जो है ना करेन वैसे भी डीजल पे होता है। ठीक है, ये आपका
यहाँ पे जब आएगा या इसके बराबर, तो आपने इस पर लाजम जो है ना आपने डीजल ऐड कर देना, डीजल डाल देना, ठीक हो गया। उसके बाद ये है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम इसका बराबर जो है ना होना चाहिए, ठीक है। ब्रेकिंग कौन सा है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है ना, ये पार्किंग है ना, और ये साथ में जो ये सिग्नल दे रहा है ये ब्रेकिंग सिस्टम के देख रहे हैं कि अभी आपकी करेन ब्रेक पे है, ठीक है, पार्किंग पे है। और उसके बाद फिर ट्रांसमिशन आयल लेवल, ट्रांसमिशन आयल लेवल आपका ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एयर फिल्टर रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, एयर फिल्टर कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसका हालत भी अच्छा होना चाहिए, उसको तकरीबन 3 दिन बाद, हफ्ते बाद उसको लाजम क्लीन करना चाहिए आपको उसको। आप उसको अगर फिल्टर को क्लीन नहीं करोगे तो भी जो है ना इंजन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए, ये इसका फिल्टर है, ये इसके क्लिप लगे हुए हैं। इन क्लिप को जब हम रिमूव करेंगे तो ये इसका कवर है, ये कवर बाहर आ जाएगा, रिमूव होगा। इसके अंदर फिल्टर है, दो फिल्टर हैं, एक भी नहीं है, दो फिल्टर हैं, दोनों को आपने क्लीन रखना है, ठीक हो गया। अगला है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक फिल्टर कंडीशन। हाइड्रोलिक फिल्टर कहाँ पे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोलिक टैंक है ना, ये देखे है ना, इसके ऊपर ये कैप लगी हुई है। जब इस कैप को आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने के साथ ये प्लेट है ये, ठीक है, आपने इसको भी रिमूव कर देना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे, इसके अंदर फिल्टर है, उसको भी बराबर हालत में होना चाहिए, साफ होना चाहिए। नंबर 13 है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन जो आरटी क्रेन होती है, इनका तो सस्पेंशन फिक्स होता है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी आरटी क्रेन पे ही बना रहा हूँ। जो ट्रक माउंटेड होते हैं, एटी क्रेन होते हैं, उनके जो है ना सस्पेंशन का जो है ना सिस्टम होता है। अगर आप आरटी पे दे रहे हैं तो ये तो ऑटोमेटिक है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक है, यानी कि ये इसका फिक्स है। और दूसरा जो आप अल्ट्रेन करेन पे हैं, एटी करेन पे हैं, उसका जो है ना अप डाउन होता है। जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आप उसका सस्पेंशन अप करेंगे, जब आप काम करेंगे कहीं पर लिफ्टिंग करेंगे तो आपने फिर उसका सस्पेंशन आपने डाउन कर देना है, ठीक हो गया। अगला स्टेप है, तीसरे स्टेप का पहला नंबर, एंटी टू ब्लॉक डैमेज प्रिवेंशन, ठीक है। ये एंटी टू ब्लॉक का पूछ रहा है, एंटी टू ब्लॉक क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंटी टू ब्लॉक क्या है। ये एंटी टू ब्लॉक है, जहाँ पे ये रिंग है, पेंसिल के निशान देखा ना, ये रिंग है, ये एंटी टू ब्लॉक है। और दूसरा ये देखें, ये छोटी सी आपको डिबिया नज़र आ रही होगी, ये एंटी टू ब्लॉक है। इनका कैसे पता चलेगा, जब आपका बूम फ्री होगा यहाँ पे, यानी कि आपकी हुक फ्री होगी कहाँ पे, यहाँ से, यहाँ इस वायर से, इस होल्ड पोजीशन से, जब आप इसको फ्री करेंगे, ये होल्ड पोजीशन है ना, यहाँ से जब इनको फ्री करेंगे, फ्री करने के बाद आपने दोनों हुक को जब एंटी टू ब्लॉक के साथ आप टच करेंगे, दोनों हुक को जब एंटी टू ब्लॉक के साथ आप टच करेंगे, तो अगर एंटी टू ब्लॉक के साथ हुक टच हुआ और फौरन स्टॉप हो गया, कट ऑफ हो गया, तो इसका मतलब है आपका एंटी टू ब्लॉक काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। अगर एंटी टू ब्लॉक साथ लग गया है फिर भी हुक आपकी आप हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी एंटी टू ब्लॉक जो है ख़राब है, आप इसको फौरन से ठीक करवाएँ। अगर आप इसको सही नहीं करवाएंगे तो किसी टाइम भी आपकी जो है ना वायर ब्रोकन हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है। अगला स्टेप है रेटेड, अगला है रेटेड कैपेसिटी लोड लिमिटर RCL, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला स्टेप है रेटेड कैपेसिटी लोड लिमिटर RCL, इसका मतलब ये है, ये जो जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं ना, ये RCL भी बोलते हैं, उसके बाद ECL भी बोलते हैं, LMI भी बोलते हैं। ECL से मीनिंग इंच, ECL का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मूमेंट, और RCL का है मतलब है रेटेड कैपेसिटी लिमिट, और LMI का LMI भी इसको बोलते हैं, लोड
लिमिट मोमेंट, ठीक है, ये आपका बराबर काम करना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप है आपका आउटरिगर का, आउटरिगर स्टेबिलाइजर फ्लोट पैड, आपके आउटरिगर सही होने चाहिए, उसके जो पैड हैं ये भी बराबर होने चाहिए। ये आउटरिगर स्टेबिलाइजर फ्लोट पैड आपके आउटरिगर सही होने चाहिए, आपका जो है ना जैक वो भी सही होने चाहिए, उसके साथ जो प्लेट लगी होती है पैड वो भी प्रॉपर पोजीशन में लगी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बबल, बबल कौन सा है जिसको हम ये लेवल बोलते हैं, ये देखिए ये बबल होता है, ये बबल आ गया। उसके बाद स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग है, ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं, ये आपका बराबर वर्क करना चाहिए, ठीक पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद रियर एक्सल, रियर एक्सल ऑसिलेशन लॉक आउट सिस्टम, आपका जो पिछला एक्सल है उसकी क्या पोजीशन, लॉक आउट सिस्टम उसका प्रॉपर काम करना चाहिए, ठीक हो गया, जो पिछला एक्सल है। उसके बाद बीम बूम एक्सटेंशन लिफ्ट कंट्रोल, लिफ्ट ऑपरेशन, बूम एक्सटेंड का, बूम निकालने का जो इसका कंट्रोल सिस्टम है वो बराबर काम करना चाहिए। वो क्या चीज़ है, वो देखिए ना, ये पेडल है, ये पेडल है, यहाँ पे एक्सटेंड होगा, यहाँ पे रिट्रैक्ट होगा, ये बराबर आपका काम करना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल, ये बूम का, इस लीवर से बूम डाउन अप कर सकते हैं, और साथ में ये पैड है, इससे भी आप डाउन और इससे आप अप कर सकते हैं, ये भी आपके बराबर काम करने चाहिए। अगला आपका है 8 नंबर, होस्ट कंट्रोल, होस्ट ऑपरेशन, होस्ट कंट्रोल का कैसे करेंगे, होस्ट कंट्रोल के लिए हमारे साथ, हमारे पास ये लीवर है, हमारे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जो है लीवर है, इनको बराबर काम करना चाहिए। ये एक्सिलरी होस्ट का है, ठीक है, इससे अप डाउन करके जो है ना चेक करेंगे कि क्या वाकई जो है ना हमारी एक्सिलरी होस्ट बराबर काम कर रही है या नहीं। और ये हमारी मेन होस्ट है, मेन हुक है, बड़ी हुक है, ठीक है, इसको भी लीवर को आगे पीछे करके चेक करेंगे कि क्या हमारी मेन होस्ट अप डाउन बराबर तरीके से हो रही है या नहीं। ये अगला 9 नंबर है पॉजिटिव स्विंग, स्विंग लॉक्स, स्विंग कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है, इसका आपका एक ये बटन है स्विंग लॉक का, जिस पे एक स्विंग का इसने एरो का निशान दिया भी हुआ है राइट साइड पे, वो ये अभी स्विंग लॉक है, जब हमने स्विंग करना है तो इसको हम अनलॉक करेंगे। ये देखिए अनलॉक हो गया ना, ये ऑन है, ये अभी रेड लाइट ऑन हो गई, ऑन पे हो गया, इसका मतलब है लॉक लग गया। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो है ना अभी अनलॉक हो गया, अभी आप स्विंग कर सकते हैं, इसका ये भी बराबर काम करना चाहिए। उसके बाद एक ये लॉक भी होता है, ये स्विंग लॉक, ये मैं पहले इसकी वीडियो बना के दे चुका हूँ, ये पड़ा है, इसको रोटरी लॉक भी बोलते हैं, ये तब लगाते हैं ये वाला लॉक, इसको रोटरी लॉक भी बोलते हैं, मैकेनिकल लॉक भी बोलते हैं, ये जब हमने कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो उस टाइम हम ये लॉक लगाते हैं, जब हम लोग काम कर रहे हैं कहीं पे हमारी क्रेन होल्डिंग पोजीशन पे लगी हुई तो टेम्परेरी हमने इसको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है, ये जब ये ऑन होगा तो हमारी क्रेन जो है ना लेफ्ट राइट स्विंग नहीं होगी। और आखिरी है बैकअप अलार्म, जब आप क्रेन रिवर्स करेंगे तो आपका जो बैकअप अलार्म है, जब आप पीछे क्रेन लेके जा रहे होंगे तो उसका अलार्म जो है प्रॉपर काम करना चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई, और फिर आपने नीचे क्या करना है, ये देखिए ऑपरेटर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिखने के बाद इसी के बराबर आपने साइन करने, साइन करने के बाद फिर आपने सब कुछ छोड़ देना है और चेकलिस्ट दे देनी है अपने एग्जामिनर। जब आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आपने क्या करना है, आपने एग्जामिनर को जाके, जो आपका क्रेन का टेस्ट लेने वाला बंदा है, आपने ये चेकलिस्ट उसको जाके दे देनी है, ठीक है, जब आपको वो दे देगा
फिर उसके बाद वो आपको एक लिफ्ट प्लान देगा, ठीक है। जब आपको वो लिफ्ट प्लान देगा तो फिर आपको वो बताएगा कि आपने बूम कितना निकालना है। वो खैर अगली वीडियो का मरला है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। आज की जो वीडियो थी वो चेकलिस्ट के बारे में थी, मैंने दो स्टेप में आपको चेकलिस्ट जो है ना बना के दे दिए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरा चैनल बेस्ट इन्फॉर्मेशन मोबाइल क्रेन ट्रेनिंग एंड आराम को सवालत को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हो सके तो साथ में शेयर भी कर दें, ठीक है। और अगर कहीं पे समझ नहीं आई चेकलिस्ट की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा मरला था, थोड़ी वीडियो भी लंबी बन गई है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करें कि वीडियो, मेरी वैसे कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में जो मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक हो गया। तो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।